सवाल अक्सर हर किसी के मन में आता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या सफल होने के लिए मैं सभी जरूरी चीजें कर रहा हूँ। यह प्रश्न सही है, पर सच यह भी है कि सफलता के मंत्र हमेशा साधारण बातों में ही छुपे होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सफल होने के लिए सबसे पहले जीवन में मिलने वाली चेतावनियों को पहचान कर सुधारना होता है। मेरा मतलब संकट के उन संकेतों से है जो भविष्य में पूरे वेग से सामने आ सकते हैं। यह चेतावनी कई तरह से मिल सकती है, जैसे तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाएं या फिर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, या फिर लगता रहता है कि कुछ कमी है। यह सब चेतावनी के चिन्ह हैं, इन्हें ही पहचान कर सुधारना है। कैसे? कुछ लोग एक ही गलती बार बार करते हैं, कुछ छोटी पर महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जैक की इन बातों को अपना कर तो देखिए। पहली बात, सिर उठाकर करें सामना। यानी जो पहला कारण तुम्हारी नजर नहीं पकड़ पा रही है वह यह हो सकता है कि अभी तक सिर उठाकर तुमने बहादुरी से समस्या का सामना ही नहीं किया। हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम किसी तरह की असहजता का सामना नहीं करना चाहते, जैसे कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और यह भी स्वीकार कर लेना कि कुछ काम सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, मसलन हाल में कंधे पर उपजा काला तिल आपको परेशान कर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। या फिर आपकी गाड़ी चलते समय अजीब सी आवाज करती है तो उसे कार मैकेनिक के पास ले जाएं। हो सकता है उसमें कोई बड़ी परेशानी ना हो। हम चुनौतीपूर्ण सवालों को इसलिए अनदेखा करते हैं क्योंकि ऐसा करना आसान, सहज और सरल है, पर इससे आपको मुसीबतों का सामना करने का कोई अनुभव नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी ओर सफल आदमी सिर उठाकर मजबूती से परेशानियों का सामना करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके द्वारा किए गए काम में अब भी सुधार की गुंजाइश है। वह जानते हैं कि चेतावनियों को नजरअंदाज करना आगे के जीवन को दुर्गम बनाना है। दूसरा पॉइंट, जिम्मेदार बने खुद के प्रति। दूसरी बात जो आपको सफल होने से रोक रही है वह यह हो सकती है कि आप अपने जीवन और उसके परिणामों की शत प्रतिशत जिम्मेदारी खुद न लेते हो। यानी दोस्तों, सच यही है कि जैसा भी जीवन हम जी रहे हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी कमाई, हमारे कर्ज, हमारे रिश्ते या कोई भी दूसरा अनुभव सिर्फ हमारे खुद के कर्मों का ही फल है। हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशियां और हमारे सुख दुख सभी हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल है। यदि आप अब तक आई समस्याओं पर सुस्ती से काम कर रहे थे या फिर घिसट घिसट कर चल रहे थे, तो उसकी भी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। सफल लोग अपने विचारों, कल्पनाओं और अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वह शिकायतें करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। तीसरी सीख, समस्याओं पर तुरंत ध्यान दें। दोस्तों, सफल होने का तीसरा नियम यही है कि समस्याओं पर तुरंत ध्यान दें। जब आप परेशानियों पर तुरंत ध्यान देकर काम करने की आदत बना लेते हैं और चेतावनी के संकेतों के मिलते ही सतर्क हो जाते हैं, तो आपका जीवन आसान होने लगता है। आप परेशानियों के पैदा होने से पहले ही उन्हें खत्म करने में सक्षम होने लगते हैं, सफलता की और तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन यह करना इतना आसान भी नहीं है। इन सबके लिए सतर्कता, अनुशासन, नए प्रयोग करने की चाह और खतरे उठाने का हौसला होना जरूरी है। आपको अपनी कमियां स्वीकारनी आनी चाहिए और दूसरों के मुंह से कड़वे सच सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। सब संभव है, खुद पर विश्वास रखें। अगली बात जो आप शायद भूल जाते हैं वह यह है कि आपका खुद पर विश्वास ही नहीं है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में यह विश्वास जगाना होगा कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। इसे आप चाहे स्वाभिमान कहें या आत्मविश्वास या खुद से किया हुआ वादा, इच्छा अनुसार नतीजे पाने की क्षमता, प्रतिभा, साधन और इरादे सब आपके अंदर मौजूद है। आपको अपने अंदर अटल विश्वास जगाना होगा कि जीवन के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव आपने खुद ही तैयार किए हैं। ऐसा करने में सफलता भी महसूस होगी, साथ ही यह भी महसूस करेंगे कि आपके अनुभव, दुख और संघर्ष व्यर्थ नहीं रह गए थे। किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना हमेशा ही करना पड़ता है। यह चुनौतियां आपकी प्रतिबद्धता की कसौटी होती है जिन पर
खरा उतर कर आप और निखर जाते हैं। कमर कसें, बस आज से ही आप अपने लक्ष्य को पाने में जितना अधिक हिचकिचाते हैं उतना ही आप सफलता के पायदानों से नीचे उतरते जाते हैं। अपने आप से वादा करें कि शिकायतों को आप सही ढंग से लेंगे। अच्छी भाषा का प्रयोग करें, उन चीजों पर ध्यान दें जिनसे आपको शिकायत है और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। मुश्किल समय में शांत रहने की कोशिश करें, गहरी सांस लें और अपने मन की आवाज को सुने। एक बार यदि आपने इन चेतावनियों को पहचान लिया तो आप सतर्क हो जाएंगे, उन्हें सही करके सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने लगेंगे। अंत में आप पाएंगे कि आपके द्वारा अर्जित की गई सफलता उन सब कठिनाइयों से काफी ज्यादा बड़ी थी। अगर आप भी जैक की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक सक्सेस प्रिंसिपल्स, जीतने की जिद, पावर ऑफ फोकस, मन चाहे लक्ष्य। आप इन सभी किताबों को अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी उन यंगस्टर्स में से हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं और लोगों के सामने बोलने से डरते हैं और साथ ही आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो भारत का बेस्ट पब्लिशर यानी प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, माय लाइफ, द गाइडिंग लाइट, आसमान से ऊंची उड़ान, गोल्स, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, गुड वाइब्स गुड लाइफ, सक्सेस प्रिंसिपल्स, जीतने की जिद, हर हाल में खुश, लीडर इन यू, सोच बड़ी कामयाबी बड़ी, इक्कीगाई, सुपर चाइल्ड, अमीर बनने का विज्ञान, महान बनने का विज्ञान, स्वस्थ रहने का विज्ञान, स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज जैसी कई पुस्तकें। यह सभी किताबें आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आज ही ऑर्डर करें क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।